नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा। आज हमारे खास कार्यक्रम हालाते बाजार में हमारे साथ में है गणेश जी जैन, जो कि कपड़ा मार्केट के अग्रणी है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे धारा धोरण को लेकर। कपड़ा मार्केट में इन दिनों धारा धोरण का जो मामला है, जो मुद्दा है, वो जलवंत है, बेहद जरूरी है उस पर चर्चा। तो आज हमारे साथ में गणेश जी है। गणेश जी, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार गणेश जी, क्या कहोगे सबसे पहले धारा धोरण के लिए आपकी क्या राय है? मार्केट का अगर ज्वलंत कोई मुद्दा है तो धारा धोरण है। आज की जो परिस्थिति, कोरोना की परिस्थिति के अंदर अगर पैसे की जितनी जरूरत है वो धारा धोरण से पूरी हो सकती है, क्योंकि मार्केट के अंदर धारा धोरण का कोई नियम अभी है नहीं। और इसके कारण हम जिसको मंदी कहते हैं, वो मंदी इसी के कारण है कि पैसा नहीं है, इसलिए टेक्सटाइल के अंदर मंदी का माहौल है। जिसके पास पैसा है वो बिजनेस कर पा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है। और धारा धोरण होने से हर एक छोटे व्यापारी के पास उसके जो बिजनेस किया है उसकी एक अमाउंट उसको समय से मिल जाती है, तो उसका एक रोटेशन बन जाता है, और रोटेशन बनने से उसके बिजनेस के अंदर ग्रोथ आती है। क्यों नहीं धारा धोरण पर सहमति बनती है? कपड़ा मार्केट के अंदर जिस प्रकार साउथ गुजरात टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने इस मांग को उठाया, इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद में एक दूसरे संगठनों को एक साथ होके एक साथ बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, न कि प्रतिक्रियाएं। क्यों प्रतिक्रियाएं हो रही है इसके ऊपर? देखो, टेक्सटाइल के अंदर जितने भी अभी संगठन है वो टेक्सटाइल के विकास के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर एक जन सुलझे हुए है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज के अंदर भी जुड़े हुए हैं। और मैं तो चाहता हूं कि अच्छा है कि वो लोग जुड़े और कार्य करें, मगर देखो संगठन के अंदर है ना मतभेद हो सकते हैं, मनभेद भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य है कपड़ा मार्केट। और कपड़े मार्केट के विकास के लिए हमें एक ठोस मुद्दे पे, और उसका ठोस मुद्दा है पेमेंट धारा धोरण, उस मुद्दे पे हमें एकजुट होकर एक सही निर्णय लेना चाहिए जिससे ये टेक्सटाइल जीवित रहे। क्या लगता है अभी जो जितने भी संगठन कपड़ा मार्केट के अंदर बने हुए हैं, चाहे फोस्टा की बात हो या एसजीटीटी हो, और भी जैसे वीपीएस हो, कई संस्थाएं हैं, क्या लगता है कि वो व्यापारी हित के लिए कुछ काम कर रहे हैं? देखो सही है ना, स्वार्थ देख रहे हैं या व्यापारियों का स्वार्थ? नहीं, देखो एक बात है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम हर बार एक ही बाजू देखते हैं कि आदमी काम कर रहा है तो उसको पब्लिसिटी मिलेगी, नाम मिलेगा, मगर काम करोगे तभी ये सब कुछ मिलने वाला है। अभी जो संगठन काम कर रही है वो संगठन अपने लेवल पे अच्छा कार्य कर रही है, अपने स्तर पे अच्छा कार्य कर रही है, मगर उनको कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। और एक जैसे ज्वलंत ये मुद्दा है पेमेंट वाला, इस मुद्दे पे उनको बैठना चाहिए और बैठ के एक ठोस निर्णय लेना चाहिए जिससे इस मार्केट की शाख पूरे देश में बनी रहे, सूरत टेक्सटाइल मार्केट अपनी पहचान बनाए रखे। क्या कपड़ा मार्केट के अंदर इसके साथ ना और भी कई समस्याएं, ट्रैफिक की समस्या हो या फिर मार्केट के अंदर जीएसटी हो, अन्य कई समस्याएं कपड़ा मार्केट के अंदर आई, लेकिन जीएसटी के बाद में कपड़ा मार्केट के अंदर सारी संस्थाएं एक मंच पर अभी तक क्यों नहीं हुई? क्यों हर टाइम राजनीतिक होती है? क्यों कपड़ा मार्केट के जो व्यापारी है वो राजनीति का शिकार बनते हैं? देखो, व्यापारी वर्ग से आए हुए व्यक्ति सोशल के अंदर अपना काम करते हैं, तो देखो मंशा हर किसी की होती है, वो कार्य करता है, उसके साथ ये भी सोचता है कि मुझे कोई और प्लेटफॉर्म मिले। मैं मानता हूं कि जो समय अपना समय दे रहा है मार्केट के हित के लिए कार्य कर रहा है, तो जब भी कोई भी प्रश्न मार्केट के ज्वलंत प्रश्न हो, ट्रैफिक का हो, पेमेंट का हो या डेवलपमेंट का हो, कोई भी तरह का, उस पर हमारे मतभेद जरूर हो सकते हैं मगर मनभेद नहीं होना चाहिए। हम एक कार्यक्रम लेके ठोस, अगर कमिश्नर के पास जाना है, म्युनिसिपल कमिश्नर के पास जाना है, पुलिस कमिश्नर के पास जाना है, तो वहां पर हमारी यूनिटी होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। क्या लगता है कपड़ा मार्केट के अंदर जिस प्रकार लोग बोलते हैं मार्केट की संस्थाएं खाली फोटो सेशन तक सीमित हो गई है, क्या ये कहां तक सही है? देखो कहना सही है, कहीं पे भी लगता है कि कोई कार्य करता है, देखो कार्य करेगा उसका फोटो आएगा ही, एक बात समझ लो। क्यों? कि जो व्यक्ति समय देता है अपने बिजनेस छोड़ के वो कार्य करता है तो उसका फोटो आता है, उसमें कोई गलत भी नहीं है। अगर उसका कहीं बात किसी पार्टी से भी वो कार्य करता है, उस पार्टी के अंदर भी अगर उसको कोई होद्दा मिलता है तो भी गलत नहीं है। क्यों? कि वो अपना समय
समय दे रहा है, अपना समय देना आप सबसे बड़ी बात है, पैसा हर कोई दे सकता है, समय देना सबसे बड़ी बात है। लेकिन व्यापारी और कई लोग सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भी कहते हैं, ये प्रतिक्रियाएं देते हैं कि जो मार्केट के संगठन हैं वो वर्क करते हैं दूसरे दिन पेपर की हेडलाइन बनने के लिए, मीडिया कवरेज के लिए, क्या ये सही है या गलत? देखो, अगर आपने जो बात कही जिस तरह से मीडिया ने अगर इसको हेडलाइन दी होती ना, तो आज सूरत के अंदर टेक्सटाइल से एमएलए होते, एमपी होते। अगर इस तरह का महत्व अगर टेक्सटाइल को मिलता ना, तो मैं मानता हूं कि आज जो सूरत है, जिस तरह से मुंबई के अंदर टेक्सटाइल एसोसिएशन का वर्चस्व है, वहां एमपी एमएलए उनको पूछ के संसद के अंदर विधानसभा के अंदर प्रश्न रखते हैं, वो परिस्थिति सूरत में निर्माण होती। और मैं चाहता हूं कि टेक्सटाइल के अंदर काम करते हुए कि वो समय समय पे तन देते, मन देते, धन भी देते, तो उनका महत्व होना चाहिए। क्या मार्केट के अंदर जितनी संस्थाएं बनी है, इसका मेन मुख्य तो जो कारण है, जो निष्क्रियता है मार्केट के संगठनों की, उसका मेन कारण क्या है? क्यों आज कपड़ा मार्केट की आवाज ऊपर तक नहीं जाती, क्या कारण है, मेन मुख्यतः बिंदु क्या? देखो, कहते हैं ना कि एक लकड़ी होती है और एक लकड़ी का भारा होता है, उसमें फर्क है। एक व्यक्ति एक आवाज उठाएगा, उतनी उसकी आवाज वहां तक ही जाएगी। अगर वो सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो हर एक को अपनी अपनी जगह पे मान सम्मान मिलेगा। क्यों? कि हमारा मेन कर्म तो है कपड़ा टेक्सटाइल, और हम टेक्सटाइल के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे हमें जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो प्लेटफॉर्म भी मिलता है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन कपड़ा मार्केट की जो संस्थाएं हैं, कपड़ा मार्केट की जो सबसे पुरानी संस्था फोस्टा, क्यों फोस्टा इतनी निष्क्रियता से अपना वर्क कर रही है, क्यों आज मार्केट के अंदर इतने संगठन बने फोस्टा की निष्क्रियता के? देखो, मैं एक्साइज आंदोलन से जुड़ा था। एक्साइज आंदोलन का आपने देखा होगा, पूरा देश भर में सूरत लीडिंग के अंदर थी, सूरत की संस्था फोस्टा लीडिंग के अंदर कार्य किया और उसका रिजल्ट भी देखा। लेकिन इन दिनों अभी के जो हालात है, अभी जिस प्रकार मार्केट के अंदर व्यापारियों की जो आवाज है ऊपर तक जाती नहीं है, क्यों नहीं जाती है? क्योंकि हमारे संगठनों में एकदम नहीं है, ऐसा कह सकते हैं? मैं आज भी कहता हूं, क्यों संगठित नहीं है कपड़ा मार्केट के व्यापारी, या अपने निजी स्वार्थ के लिए क्यों व्यापारियों को दमन कर रहे हैं? मैं आज भी कहता हूं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद भी होना चाहिए। संगठन क्यों मनभेद हो रहा है, क्यों, कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, व्यक्तिगत हर एक की व्यक्तिगत अपनी महत्वाकांक्षा के कारण हम टेक्सटाइल को सही प्लेटफॉर्म पर, टेक्सटाइल को सही लेवल पर उसके कार्य को हम पहुंचा नहीं पाते, एक कारण है, और कोई कारण नहीं है। वरना आज जो सूरत का इतिहास है, सूरत का जो विकास है, सूरत के अंदर जो रोजगार दिया जाता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री दे रही है। सूरत का विकास देख लो आप, अब लगभग 3 साल से सूरत के अंदर मंदी के कारण सूरत की सब इंडस्ट्री आज मंदी के उस गर्भ में पहुंच गई है, तो सूरत टेक्सटाइल का कितना बड़ा महत्व है ये आपके सामने है। गारमेंट हब के हब बनाने के लिए मार्केट के एसोसिएशन, यहाँ की पदाधिकारी, यहाँ के नेता गारमेंट हब बनाने की होड़ में है, लेकिन गारमेंट के लिए नई मशीनरियां इस कपड़ा इंडस्ट्री के अंदर आएगी, लेकिन उस मशीनरी को चलाने के लिए कारीगर कहां से लेके आओगे? उस लेवल के जो कारीगर है उनके उनको डेवलप करने के लिए यहाँ पर क्या साधन है? देखो, सूरत के अंदर पहले टेक्सटाइल नहीं था, टेक्सटाइल आया तो टेक्सटाइल के साथ उसके पीछे पीछे कारीगर आए, इंडस्ट्री हुई, आज टेक्सटाइल का विकास हुआ। स्किल डेवलप करने के लिए क्या सरकार टेक्सटाइल के लिए कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी हो या स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ इंस्टीट्यूट आज तक क्यों नहीं, क्या कपड़ा मार्केट के अग्रणी संस्थाओं ने यह मुद्दा नहीं उठाया? देखो, मैं भी 30 साल से सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हूं, और मैंने देखा है कि अभी के हमारे जो वर्तमान के सांसद माननीय श्री सीआर पाटिल साहब, जो वर्तमान में गुजरात प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी है, और उनका हर समय टेक्सटाइल को सहयोग मिलता है, हर समय टेक्सटाइल के लिए वो कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप
आप एक व्यवस्थित प्लानिंग के साथ प्रोजेक्ट रखेंगे तो उसको केंद्र सरकार तक पहुंचाने का, हमारे गांधीनगर तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक सक्षम माध्यम है। माननीय पाटिल साहब हर समय टेक्सटाइल के हर प्रश्न को लेकर तुरंत उन्होंने रिजल्ट दिया, ये मैंने अभी लगभग हर कार्यक्रम में मैंने देखा है कि जब भी टेक्सटाइल की भी बात आई तो पाटिल साहब ने उसको पॉजिटिव लिया और उसको कार्य किया है। बात वहां होती है कि जब हम यूनिटी में नहीं होते तो हम किसी भी उंगली उठाने के लिए मजबूर नहीं हो सकते। क्या कहोगे कोरोना के बाद में जिस प्रकार कपड़ा मार्केट की स्थिति है और आने वाला समय कपड़ा मार्केट के लिए कैसा रहेगा? देखो वर्तमान के समय में पूरा देश इस महामारी से ग्रस्त है और उसमें सूरत भी बागात नहीं है। क्यों? कि सूरत का बिजनेस है वो पूरे देश भर में फैला हुआ है और सबसे बड़ा कि यहाँ का बिजनेस उधारी के पेमेंट में चलता है और जो रोटेशन होना चाहिए था वो रोटेशन हो नहीं पा रहा है, इसलिए सूरत का बिजनेस, टेक्सटाइल का बिजनेस अभी रुका हुआ है। मगर मैं मानता हूं कि 2021 से जो पीरियड सूरत टेक्सटाइल का मिलेगा वो लगभग 5 साल के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। धाराधरण के बाद में सबसे बड़ा एक मुद्दा है जो कपड़ा मार्केट के अंदर जो व्यापारियों के साथ में जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो पार्टियां चली जाती हैं उनका कोई सुनवाई नहीं होती, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपकी पर्सनल राय क्या है उसके लिए? अभी मैंने वर्तमान में पहली बार माननीय कमिश्नर साहब जो अभी वर्तमान में अजय जी आए हैं उन्होंने पहला एक कार्य किया है कि टेक्सटाइल के एक ऐसे एजेंट को तड़ी पार किया, पासा में डाला है, तो ये पहली बार हुआ इतिहास में, सूरत के इतिहास में, इसलिए विश्वास यहां से ही लग रहा है कि अब आने वाला समय इन जितने भी फ्रॉड करने वालों के लिए बहुत खराब समय रहेगा क्योंकि उसमें कार्रवाई होगी और अभी इसकी नोंद उन्होंने गांधीनगर तक इसकी करवा दी है और जिस तरह का वातावरण बन रहा है तो धीरे धीरे उनके अंदर भी डर बैठ रहा है, तो टेक्सटाइल के अंदर से भी ये फ्रॉड करने वाले अब बहुत ही समझ जाएंगे और अपना वो रास्ता यहां से निकाल लेंगे। क्या कहोगे हमारे टीवी चैनल के माध्यम से कपड़ा व्यापारियों को, पूरे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि समय, वर्तमान के समय देखते हुए हमें ये जो कोरोना की परिस्थिति आई यहां से हमें एक पॉजिटिव चिंतन लेना चाहिए कि हमें हमारी प्लानिंग इस तरह से करें कि हम हर समय पॉजिटिव में रहे, बिजनेस के मूड में रहे और हमारा पूरा फोकस हमारे बिजनेस पे रहे और सबसे बड़ा जो मुद्दा है पेमेंट वाला उस पर हम मजबूत रहे और उसको जितना हम स्ट्रिक्ट रखेंगे तो उससे हमारा रोटेशन अच्छा बढ़ेगा और आने वाला समय टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा है। मैं यही शुभकामना देता हूं कि 2021 से ये समय, अभी ये भी समय निकल जाएगा, 2021 से अच्छी रफ्तार टेक्सटाइल की पकड़ेगी, ऐसा मुझे मानना है। तो ये थे गणेश जी जैन जिन्होंने साफ तौर पर कपड़ा मार्केट के व्यापारियों को ये संदेश दिया कि पॉजिटिव बनकर आगे आए और आगे वाला जो समय है कपड़ा मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम में गणेश जी, धन्यवाद। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।